So welcome to the test drive session of Toyota Tazer over here. डिजाइन है एंड रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की अच्छी है। आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो काफी अच्छी रखी गई है, तो आगे की तरफ आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। जो आगे के पॉट होल्स होते हैं वो आपको बहुत इजीली आपको विजिबल हो जाएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि गाड़ी का जो फ्रंट बोनेट है वो बहुत इजीली विजिबल है। यहाँ पे बहुत अच्छा है ये चीज। सो सीटिंग कंफर्ट इस मामले में गाड़ी का काफी अच्छा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये आपका जो वेरिएंट है यानी कि जो गाड़ी का इंजन है कोई नॉइज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, कैबिन बहुत ही ज्यादा क्वाइट है, काफी हद तक ही अच्छा है। सो नाउ मूविंग अहेड, सेकंड गियर पे हूँ गाड़ी के एंड गाड़ी का रेफ थोड़ा सा आया यहाँ पे। मैं सेकंड गियर से गाड़ी को उठा रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक स्पीड बम्प आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। शॉकर्स काफी अच्छे हैं, काफी इजीली इसको अब्सॉर्ब किया। ओके, थर्ड गियर पे इंजन की रेविंग आ रही है, इजीली 80 रीच कर रही है गाड़ी फोर्थ गियर पे एंड काफी इजीली डबो चार्जर का एक मजा आ रहा है। 100 किलोमीटर पे आ रही है गाड़ी, बिल्कुल 110 पहुंच गई एंड जो चीज मैंने सोची थी वही दिखा रहा है। टर्बो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी बहुत ही इजीली भाग रही है। मैंने एक्सेलरेटर से पैर हटा रखा है एंड गाड़ी अभी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है, तो एक वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका एरोडायनेमिक जो मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले की तरफ, इसको इसकी जो डिजाइन वर्क है वो कितना अच्छा है कि पीछे से हमें पुश मिल रहा है एंड हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, गाड़ी की हैंडलिंग की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा इसकी हैंडलिंग सचमुच बहुत अच्छी है। एक उंगली से मैं अपनी कार को पूरी तरह से स्टीयर कर सकता हूँ, देख रहे होंगे आप, काफी सॉफ्ट है हैंडलिंग, ये देखिए बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग है। काफी अच्छी जा रही है। अब थोड़ा सा ब्रेकिंग टेस्ट लेते हैं गाड़ी का, हमारे पीछे एक गाड़ी है पहले उसे आगे निकल जाने देते हैं एंड कार की स्पीड आप देख सकते हैं इस समय 60 किलोमीटर पर आवर पर है एंड इस सिचुएशन पे अगर हम पैनिक ब्रेकिंग करते हैं जो कि एयरबैग्स के लिए सबसे सूटेबल स्पीड भी रखी गई है, तो इस स्पीड पर हम अगर पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो देखते हैं। आपने देखा कितनी कम डिस्टेंस तक गाड़ी खींची एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको रिस्पॉन्स किया एंड काफ़ी अच्छा इसने गाड़ी ने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसका, ABS EBD काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, गाड़ी इधर उधर कहीं भी स्किट नहीं करी, एकदम सीधी रही, ना इधर भागी ना लेफ्ट गई ना राइट गई, जितना मैंने स्टेयरिंग को जहाँ पर रखना चाहा उतने पर ही रही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्राइट दोनों ही ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अगेन पसंद आई होगी। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वॉचिंग द फुल वीडियो।